अध्ययन 20 देशों में हुआ सर्वेक्षण, शिक्षकों के साथ वक्त बिताने वाले सीखते हैं ज्यादा। भारत अपने युवाओं को हुनर सिखाने में अव्वल। लंदन, भारत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में कौशल बढ़ाने वाली शिक्षा शामिल करके युवाओं में हुनर पैदा करने के मामले में दुनिया भर में अग्रणी स्थान पर रहा है। इसका खुलासा 20 देशों के बीच किए गए अध्ययन में हुआ है। ये स्टडी द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट रिसर्च शाखा ने जैकब्स फाउंडेशन द्वारा लर्निंग इकोसिस्टम फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके करवाई है। स्टडी में पता चला कि छात्र अपने शिक्षकों के साथ बिताने वाले व्यक्तिगत समय में भी दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा हुनर सीखते हैं। रिसर्च में यह भी पाया गया कि भारत के सर्वेक्षण में शामिल 70 भारत ने पाठ्यक्रम का किया विस्तार। अध्ययन में पाया गया कि भारत में अतिरिक्त कौशल जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT और डिजिटल साक्षरता, वैश्विक नागरिकता, शिक्षा और सतत विकास के लिए शिक्षा को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम का विस्तार करने का प्रयास किया गया है। कोरोना महामारी का प्रभाव दुनिया भर के 1.6 अरब छात्रों को पर पड़ा और जब फिर से पढ़ने पढ़ाने का दौर पटरी पर लौटा है, ऐसे में इस सप्ताह जारी किए गए नए शोध में कई महत्वपूर्ण बातों का खुलासा हुआ है। 60% शिक्षकों को लगता है कि उनके पास प्रत्येक छात्र के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय है, जबकि अध्ययन में शामिल बाकी शिक्षकों में यह औसत सिर्फ 5% है। जैकब्स फाउंडेशन के सह CEO फेबियो सेगुरा और साइमन इस अध्ययन उद्देश्य नीति निर्माताओं को कक्षा परिशिक्षा विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सोमा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह लर्निंग इकोसिस्टम फ्रेमवर्क देशों को यह समझने में मदद करेगा कि उनको पढ़ने कर रही है और आगे इसको कैसे और सिखाने की प्रक्रिया कितना अच्छा प्रदर्शन विकसित किया जा सकता है। AJC अध्ययन में यूरोपीय देश और चीन भी शामिल 200 संकेतकों और उपसंकेतकों से मिलकर 20 से अधिक विशेषज्ञों के साक्षात्कार और साहित्य के 70 से अधिक स्रोतों की समीक्षा के आधार पर यह अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन 1,000 शिक्षकों और 1,000 युवाओं 18-20 आयु वर्ग के सर्वेक्षण, अतिरिक्त डाटा और डेस्क आधारित शोध के जरिए किया गया है। भारत के अलावा शोध में अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, कोटे डिआइवर, मिस्र, फिनलैंड, घाना, इंडोनेशिया, केन्या, न्यूजीलैंड, पोलैंड, कतर, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरलैंड, UK और US शामिल हैं।